सो हेलो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ बहुत दिनों के बाद। और मुझे यूट्यूब पर आए हुए मतलब यूट्यूब पर वीडियो डाले हुए 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन मैं आज वापस आ चुका हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा टक्स पेंट का ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको टक्स पेंट के बारे में अच्छे से जानना है। तब तक के लिए आप वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं टक्स पैंट में लेफ्ट साइड देखते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, और अगर राइट साइड में देखते हैं तो टूल्स के अंदर के सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। नीचे बहुत सारे कलर्स हैं और उसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो देखते हैं, पहले टूल्स में हम चलते हैं जिसका नाम है पेंट। और पेंट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, हमें मिलते हैं ब्रशेस। और ब्रशेस एक नहीं, देख सकते हैं आप कितने सारे ब्रशेस हैं, तरह तरह के ब्रशेस मिलेंगे यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने जैसा है नहीं, यहाँ पर बस अलग अलग ब्रशेस के टाइप्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रशेस दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं दूसरे टूल्स की तरफ जिसका नाम है स्टैम्प। और स्टैम्प में हमें मिल जाते हैं कुछ 6 स्टैम्प अलग अलग तरह के, जिन्हें हम उल्टा या सीधा भी कर सकते हैं। अलग अलग तरह के स्टैम्प हैं और इन स्टैम्प के ऊपर हम ब्रश चला सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे टूल्स की तरफ जिसका नाम है लाइन, जहाँ पर हमें तरह तरह के अलग अलग तरह के वही ब्रशेस वाले लाइंस मिल जाते हैं। तो इसमें पेंट में और लाइंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। चौथा टूल है शेप, और शेप में भी हम बहुत अलग अलग तरह के शेप मिलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक स्टार नाम का शेप है, अगला टूल है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर लिखना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, फिलहाल मैं ये वाला ले लेता हूँ। फिलहाल ये टेक्स्ट के ऊपर हम कुछ भी चला सकते हैं। अगर आपको इससे बचना है तो आप यहाँ पर लेबल लगा सकते हैं, और लेबल में मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पर आप बहुत सारे कलर्स भी बदल सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और लेबल लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप यहाँ पर कोई भी स्टैम्प लगाते हैं या कोई भी ब्रश चलाते हैं तो वो लेबल के नीचे आता है, लेबल के ऊपर नहीं, जिससे आपका लेबल साफ साफ दिखता है। अगला है फिल। तो फिल में कुछ नहीं, इससे हम बस कलर भर सकते हैं किसी भी शेप के अंदर। और अगर कोई शेप नहीं है तो आपका पूरा पेपर ही कलर हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, मैंने आप... फिर से मैं यहाँ पर तरह तरह के कलर भर सकता हूँ इन सब में। तो इन सब में कुछ ज्यादा खास नहीं है। आगे चलते हैं अगले टूल्स की तरफ जिसका नाम है मैजिक। तो मैजिक में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2-4 मैजिक्स हैं, यहाँ पर भर भर के मैजिक्स हैं। और मुझे लगता है कि हर बच्चा जो टक्स पेंट चलाता है, इस पर पेंटिंग करता है, उनमें से अबाउट 95% बच्चे यहाँ पर मैजिक का ही यूज़ करते हैं। रीडू से वही मिटता है जो वंडू से मिट चुका होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक शेप बना देता हूँ तो वंडू से मिट जाता है, और रीडू से हम वंडू से मिटाई हुई चीज़ वापस लाते हैं।
और इरेजर से हम कोई भी चीज़ मिटा सकते हैं। यहाँ पर हमें इरेजर के अलग अलग शेप्स मिलते हैं, ये छोटा वाला इरेजर, ये सर्कल इरेजर, ये ट्रायंगल रेक्टेंगुलर इरेजर और ऐसे ही बहुत सारे इरेजर हमको मिलते हैं यहाँ पर। अगला टूल है न्यू, तो न्यू में हमें बहुत सारे न्यू पेजेस मिल सकते हैं जिसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं अलग अलग तरह के न्यू पेजेस। हम एक न्यू पेज यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाली ले ले ले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यू पेज जो हमें मिला है उसे हम इरेज नहीं कर पा रहे इस पर बनी ड्राइंग को, क्योंकि ये ड्राइंग पहले से बनी है, ये हमने नहीं बनाई है। फिर अगला टूल है ओपन, ओपन में हम अपनी बनाई हुई ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी ये फालतू ड्राइंग, और अभी अभी मैंने ये वाली ड्राइंग बनाई थी, तो इसे ओपन करते हैं। इस टूल से हम अपनी ड्राइंग को सेव कर सकते हैं, ये ड्राइंग सेव हो गई। इससे हम प्रिंट कर सकते हैं और इससे ऐप क्लोज कर सकते हैं। तो अब जो टूल बचा है वो है मैजिक, तो मैजिक को हम बड़े आराम से देखेंगे। सो गाइस, अगर आपको मैजिक पर एक अलग से वीडियो चाहिए तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ पर उस वीडियो में मैंने मैजिक के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है, एक एक मैजिक के बारे में मैंने वहाँ पर आपको बताया है। तो जाइए आप उस वीडियो को देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में मुझे लिखें ताकि मैं और ही ऐसी वीडियोस बनाऊं। तो अगली वीडियो तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे दोस्तों।